इंदौर में पार्टी के बाद अपनी दोस्त को घर छोड़ने जा रहे भाई बहनों पर बदमाश टूट पड़े। सड़क से गुजर रही लड़की का हाथ पकड़कर बदमाशों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और विरोध करने पर भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना छोटी खजरानी का है। पुलिस ने केस दर्ज कर आईजी थाना क्षेत्र के छोटी खजरानी में बुधवार रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां रहने वाली भारती चौहान के परिवार में बुधवार रात एक पार्टी थी। पार्टी के बाद भारती अपनी बहन और भाइयों के साथ अपनी एक फ्रेंड को छोड़ने उसके घर जा रही थी। अचानक रास्ते में कुछ बदमाशों ने पीछे से भारती का हाथ पकड़ लिया और भारती की आवाज सुन आगे चल रहे उसके भाई उसे बचाने आए तो बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में राजू, अजय और आकाश बुरी तरह घायल हो गए हैं। भारती की बहन ने भागकर अपने पिता मुकेश को घटना की जानकारी दी। जब मुकेश घटना स्थल पर पहुंचा तो बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया। घटना के बाद सभी घायलों को MY अस्पताल ले जाया गया है। भारती ने बताया कि बदमाशों के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। शुरुआत में एक बदमाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरा कपड़े खींचने लगा। बाद में उनके 3 साथी और आ गए थे। सभी नशे में धुत थे। वे बार बार सबको चाकू मारने की बात कह रहे थे। MIG थाने के आरक्षक त्रिपाठी ने बताया कि मेडिकल के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट।